फंस गए रोमन। WHG रोमन रेंस फंस गया है, बोलने का अधिकार किसी को नहीं है क्योंकि रोमन रेंस फंसे नहीं है, रोमन रेंस बच गया है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया 34। तो दोस्तों, जॉन ब्रावो जो कि काफी समय से सबूत वाले वीडियो पेश करने की धमकी दिए जा रहे थे और कह रहे थे कि शुक्रवार को मैं वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें सबूत होंगे रोमन रेंस के प्रति, लेकिन दोस्तों जब ये वीडियो सामने आई तो इसमें कोई भी बड़ा पुख्ता सबूत नहीं सामने आया और सारी की सारी वीडियो काफी फीकी नजर आई, जैसे कि रिचर्ड रॉड्रिगस और जॉन ब्रावो है, और पूरी वीडियो में दोस्तों सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की गई, कई लेजेंड्स के नाम लिए गए। जब मैंने वीडियो देखी तो कई लेजेंड्स के नाम इसमें लिए गए दोस्तों, जैसे कि जॉन सीना, स्टोन कोल्ड और भी कई रेसलर्स के नाम लिए गए, कई लेजेंड्स के नाम लिए गए, लेकिन जब बात आती है दोस्तों रोमन रेंस की तो वहां वो कहते हैं कि फिल्म स्टार मार्क और रोमन रेंस के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पहले मुझे 110% श्योर होना पड़ेगा और किसी भी क्रॉस कनेक्शन के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि रोमन रेंस का भी इस कंट्रोवर्सी में हाथ है, और जितने भी सबूत जो कि कहे जा रहे हैं वो DAA की फाइल में है जो कि एक लैपटॉप और फोन में शामिल है। अब बात की जाए इन सारी बातों की तो कोई भी पुख्ता सबूत उनके पास नहीं था और उन्होंने बिन बात के ये पूरी की पूरी हाइप क्रिएट की। अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने इतनी पब्लिसिटी पाने के लिए किया या फिर किसी और चीज के लिए, लेकिन यहाँ ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस होके ही रहेगी। तो दोस्तों जो रेसलर इस मामले में फंसे हैं वो है शेमस और जिंदर महाल, जिनके ट्रेनर्स ने ड्रग्स खरीदे हैं रिचर्ड रॉड्रिगस से। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर किसी के ट्रेनर्स ने ड्रग्स खरीदे हैं तो उन रेसलर्स ने वो ड्रग्स लिए भी होंगे। तो पूरा का पूरा मामला दोस्तों ये वही बात होगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और बात की जाए यहाँ रोमन रेंस की तो वो बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और सारी सारी गलती है रिचर्ड रॉड्रिगस की, जिन्होंने ये मामला बहुत बड़ा बनाया और उन्हें इसके लिए शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जहां तक बात की जाए रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की तो हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।